गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको क्लास टेंथ फिजिकल एजुकेशन का लेसन जो वन है इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो बच्चों इसमें इन्वायरमेंटल होता है बेटा वातावरण, हेल्थ होता है स्वास्थ्य। तो आइए आज हम लोग हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है और कैसे रहता है और हम इसमें कैसे शामिल हैं। तो ब्रिटिश का एक पहला प्रश्न बनता है, वातावरण से क्या अभिप्राय है, स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें लिखो, ऐसा प्रश्न जो आपको परीक्षा में जाता है। तो आप उसको क्या करेंगे, पहले वातावरण के बारे में, वातावरण क्या है। तो ब्रिटिश जो हमारे चारों ओर जो आवरण है जो फैला हुआ है उसको हम जो है वातावरण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, कारखाने हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, समुद्र है, ये सभी क्या है, ये हमारे वातावरण के अनुकूल आते हैं। बच्चों जैसा वातावरण में आप रहते हो ऐसा ही आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपका वातावरण शुद्ध है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो शुद्ध रहेगा। यदि आपका वातावरण जो है उसमें कमियां है, प्रदूषण वाला है, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, उससे हमेशा बीमार हो जाता है। तो वातावरण के बेटा प्रकार जो होते हैं भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, दो भाग में बांटते हैं इसको हम। भौतिक वातावरण में जो है हमारे जो प्राकृतिक से संबंधित जो है, जैसे नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, आकाश आदि जो है इसमें शामिल आते हैं। सामाजिक वातावरण में जैसे कारखाने हैं, समाज है, आपके आस पास का जो रहन सहन है जो, उसको हम सामाजिक वातावरण में अंतर्गत रखते हैं। तो इसके बाद जो है हम अगला जो बनता है स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। तो स्वास्थ्य खेलों के लिए स्वास्थ्य वातावरण संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, देखो जो मैन होती है बेटा। देखो सबसे पहले तो जो मैदान के बारे में लेते हैं, मैदान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो मैदान कैसा होना चाहिए, समतल, जो जहाँ खिलाड़ी खेलता है उसके लिए जो उसका मैदान जो सतह है वो समतल होना चाहिए, खुली होना चाहिए, और जो भूमि है वो खेल के योग्य ही होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। तो खेल के मैदान के पास जो है दर्शकों के बैठने के लिए उसकी व्यवस्था, तो जिसका अगला पॉइंट बताते हैं हम, जो खेल के अलावा जो दर्शक हैं जो उसको खेल को देखने के लिए आते हैं उनके लिए बैठने की जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो आराम से बैठ सकें, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो अगला जो पॉइंट बनता है इसका, खेलों का आयोजन जो है नियमों के अनुसार होना चाहिए। देखो बेटा खेलों का जो आयोजन है वो नियमों के अनुसार होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, और उसका जो टाइम दिया जाता है निर्धारित समय उसमें पूरा होना चाहिए, और उसके अंदर जो है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की ना होनी चाहिए, ताकि किसी भी टीम में जो है एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष भावना पैदा ना हो। अगला खेल स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था। तो देखिए जहाँ हम घंटों के खेल लेंगे या उसके में बैठेंगे तो उसके लिए क्या है, पानी की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए बाथरूम टॉयलेट आदि की जो है उचित व्यवस्था खेल स्टेडियम के पास होनी चाहिए, जहाँ आराम से कोई परेशानी न हो। योग्य प्रशिक्षकों या कोचों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें अगला पॉइंट क्या है, योग्य प्रशिक्षक जो होते ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं या जो कोच जो खिलाते हैं खिलाड़ी होते हैं, तो उनका व्यवस्था के अंदर जो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक निर्णय के फैसला देंगे उसमें किसी प्रकार की जो है संभावना नहीं, झगड़े की व्यवस्था नहीं होगी। तो इस कारण से जो हम कह सकते हैं कि जो खेल जो स्टेडियम है उसके अंदर जो आप खेल का जो आयोजन करवा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी आने वाला जो खिलाड़ी है या प्लेयर है उसको ये ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, वे न किसी पक्ष के निष्पक्ष भावना से जो है उसको वो करेंगे। तो खेल के मैदानों की सफाई के बारे में ध्यान। तो बेटा देखो क्या है, खेल का जो मैदान है उसकी समय समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसमें, और यदि इसमें गंदगी होगी तो वो परेशान करेंगे हमें, तो ये सब अपनी बात करनी चाहिए। खेल के मैदान की देखभाल के लिए उनके चारों तरफ से जो है दीवार आदि होनी चाहिए, ऊंची दीवारें होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार का जो अन्य प्राणी जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है उसमें प्रवेश ना करे, और वो अच्छे से जो है होना चाहिए। तो फिर जो
मैंने आज जो आपको समझाया वो था क्या था, वातावरण से क्या अभिप्राय है। तो बेटा वातावरण से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, जो हमारे आवरण, जो हमारे चारों ओर जो फैला हुआ जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, तो ये उसी का एक अंग है, उसका एक भाग है। तो वातावरण के जो मैंने आपको प्रकार बताए दो, तो भौतिक और सामाजिक वातावरण, और इसके बाद में आप लिखोगे खेलों के लिए स्वास्थ्य वातावरण संबंधी बातें, और उसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो हो सकता है कि इसके बारे में जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो एक अच्छे जो लेखक हैं, जो छोटी परिभाषाएं हैं, उनका बड़े ध्यान से आप उसमें दे सकते हैं, और उसमें जो है आपको नंबर अच्छे आएंगे। तो बेटा हम इसको जो है 5 नंबर में ले सकते हैं, 3 अंक का भी कर सकते हैं, और 2 अंक में और 1 अंक में इसको हम बांट सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले वातावरण के प्रकार, तो आप तो पता बता देंगे भौतिक और सामाजिक वातावरण। यदि आपको इतना ही 1 नंबर में है तो आप इतना ले सकते हैं, यदि इसको 2 नंबर लेते हैं तो आप इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्णन करेंगे। तो बेटा मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आ गया। थैंक यू, जय हिंद।